हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी आदित्य एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर इंग्लिश ग्रामर सीरीज। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट नाउन एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोनाउंस। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस? सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, वर्ड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है जिन्हें, वो सर्वनाम कहलाते हैं और इन्हीं को हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउन का यूज जो होता है वो हम नाउन को सब्स्टिट्यूट या फिर आप कह सकते हैं रिप्लेस करने के लिए सेंटेंस में या फिर अपनी स्पीच में यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो स्मूथ होती है और ग्रामर जो होती है वो थोड़ी हम अपनी सहूलियत के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लेके से समझना चाहें, हम कुछ लाइन अगर ऐसे बोलें कि मान के चलिए रोहन इज अ गुड बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, या फिर अगर हम बोले रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय, तो हम यहाँ पर बोल एक ही चीज रहे हैं, लेकिन अगर हम रिपीटिशन देखें संज्ञा का, जो यहाँ पे राहुल है या फिर कोई भी नेम है हमारे स्पीच में, तो हम ये देखेंगे कि हम बार बार उसे रिपीट कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को और भी दिखाता है और ग्रामेटिकली हम इसे बेटर बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रोनाउंस। तो आज का टॉपिक यही प्रोनाउन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो जो मेजर इसके 8 टाइप्स होते हैं, आज की वीडियो में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं एक एक टाइप को अच्छे से। So now we are going to study about the first type of pronoun, which is personal pronoun. So by the name itself, it says about the person. तो हिंदी में समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो personal pronoun है उसका basically हम use करते हैं persons के लिए या फिर things के लिए, यानी वस्तुएं या फिर व्यक्तियों के लिए personal pronoun का हम use करते हैं। लेकिन आप जैसे जानते होंगे कि person तीन होते हैं, first person, second person, third person, और यहाँ पर हम देखें केस दो होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो जब सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे अगर वर्ड देखने को मिलेंगे, ये होंगे हमारे सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में ये वर्ड्स है। तो ये ऐसे चेंज होते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। ऐसा तो हर किसी को मालूम होगा कि जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सेंटेंस का ये कह सकते हैं मेन लीड रोल होता है, उसका सारी लाइन लाइट उसे रहती है। जैसे कि अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस समझना चाहें तो मैं कह सकता हूँ मैं मोहन से मिला। सो इन दिस सेंटेंस वी कैन से दैट द मेन लाइन लाइट और द मेन कैरेक्टर इन अवर सेंटेंस इज मी, मैं मोहन से मिला। इसमें से जो सब्जेक्ट होगा वो मैं होऊंगा और मोहन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर इसी को हम सेम सेंटेंस को उल्टा करके लिख दें, मोहन मुझसे मिला, तो इस सेंटेंस में क्या होगा कि मैं ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा और मोहन इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भी कुछ ऐसा ही है इंग्लिश में, पर्सनल प्रोनाउन में। और इनमें हमें देखना है कि जो आई है वो मी में चेंज होगा, वी अस में, यू यू ही रहेगा, ये थोड़ा देखने योग्य बात है, दे देम, ही हिम, शी हर, और इट भी इट में ही रहेगा, ये होगा पर्सनल प्रोनाउन। आगे बढ़ते हुए अगर हम पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में जाने तो पॉसेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं? बस नाम से आपको पता चल सकता है कि जो पॉसेसिव प्रोनाउन है, दीज आर द प्रोनाउन्स विच कैन यू नो शो द पोसेशन और द ओनरशिप, अधिकार दिखाने के लिए या फिर अधिकार व्यक्त करने के लिए इन प्रोनाउन्स का जो है वो यूज होता है, ओनरशिप को शो करने के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, जैसे कि माई यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवर, योर सेल्फ, माइन, आर सेल्फ, मतलब इसको चेंज करते समय माई को आप माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर को आर्स में, और ये जो सारे एग्जांपल हैं आप इस टेबल को चेक कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो एग्जांपल हम लेंगे दिस पेन इज माइन, इसमें हमारा प्रोनाउन हमें साफ दिख रहा है कि माइन है, और
ये हमें कैसे पता चला माइन है, क्योंकि हमें ये टेबल को एक बार अपने मन में मेमोराइज किया हुआ है। ये टेबल बहुत हेल्पफुल है आपको, आप जरूर इसे एक बार पढ़िएगा। दिस पेन इज माइन, कोई दूसरा एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। दिस कार इज आवर्स, यह कार हमारी है। पहला जो एग्जाम्पल था उसका मतलब हो जाएगा यह पेन मेरा है। तो ये ओनरशिप को शो कर रहा है, यानी ये पेन के ओनरशिप का जो अधिकार व्यक्त कर रहा है वो मुझसे व्यक्त कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल को देखें तो दिस कार इज आवर, ये जो कार है वो हमारी है। तो इसका ओनरशिप किसे जा रहा है, हमें, यानी अर्थ में हम इसे शो कर रहे हैं। आगे बढ़ते समय अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जो है वो जानना चाहें, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है ये, कि जो सिंगुलर सिंगुलर वर्ड के पीछे आपको SELF, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, सिंगुलर के आगे आपको SELF सेल्फ, और जो प्यूरल होंगे उनके आगे ये सेल्फ, ये लगे होंगे। और आपको समझ जाना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक बहुत बेसिक ट्रिक भी आप कह सकते हैं इसे, कि सिंगुलर के आगे सेल्फ और जो प्लूरल है उनके आगे सेल्फ लगा होगा, तो आप समझ सकते हो रिफ्लेक्सिव। अगर आप देखें तो माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये इतने सारे इसमें आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन वर्ड्स से ही आगे चल के आप कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट प्रोनाउन टाइप, हमारा जो चौथा टाइप है यहाँ वो हम पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर बेसिकली द टाइप ऑफ प्रोनाउन्स विच आर यूज टू शो और टू इंडिकेट इंडिकेट टू पॉइंट, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना, इन सारे चीजों के लिए हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो यूजफुल है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम दो वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम ज्यादातर सुनते होंगे, दिस और दैट। और इसकी भी एक छोटी सी टेबल है, टेबल तो नहीं कह सकता पर आपको याद रहे इसलिए मैं बना सकता हूं। दिस दैट दीज दोस्त, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऐसे चार वर्ड्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे। ये ज्यादातर आपको आप एग्जाम्पल्स हैं या फिर आप किसी एग्जाम में जाए तो आपको इसी से रिलेटेड जो सेंटेंस है वो बन के आ सकते हैं। ये कैसे यूज होते हैं अगर हम ये समझे, तो अगर हम सिंगुलर की बात करें तो दिस दिस यूज होता है नियर ऑब्जेक्ट के लिए, और फार ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर है, दूर की चीजों को व्यक्त करने के लिए दैट का यूज होता है, ठीक है। तो सिंगुलर में अगर ये मार्कर मेरे पास है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मार्कर मेरे पास है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि पास है तो हम इसे दिस से यूज करेंगे, और सिंगुलर है यानी एक ही है तो उसे हम कह सकते हैं आई हैव अ मार्कर को, अगर मेरे पास है तो मैं कह सकता हूँ दिस इज अ मार्कर। अगर मैं इसे थोड़ा दूर ले जाऊं या फिर ये थोड़ा दूर चला जाए तो इसे हम कह सकते हैं दैट इज माई मार्कर सिंगुलर के लिए। वहीं अगर हम प्लूरल में देखें तो प्लूरल में अगर मेरे पास आप कह सकते हैं दो मार्कर आ जाएं, और अगर मेरे पास दो मार्कर हैं मेरे नियर में मेरे नजदीक में अगर दो मार्कर हैं तो मैं कह सकता हूँ दीज आर माई मार्कर्स, ये मेरे मार्कर हैं। पर अगर यही दो मार्कर यही प्लूरल में अगर दो मार्कर मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगा, दोज आर माई मार्कर्स, वो मार्कर मेरे या फिर वे मार्कर मेरे हैं।
अगर ये पास होगा, नियर होगा, तो इसमें दीज होगा। अगर जब ये दूर चले जाएंगे या फिर मेरे से फार डिस्टेंस में होंगे तो इसे हम कहेंगे दोज आर माई मार्कर्स। ठीक है दोस्तों, यही है, इससे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर से भी देख चुके हैं। इसका नेक्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। और इसमें एक चीज बहुत कॉमन होगी, क्योंकि क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं तो एट द एंड ऑफ सेंटेंस हमें क्वेश्चन मार्क नहीं देखने को मिलेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हु इज योर फ्रेंड। हु इसमें डब्ल्यू एच वर्ड भी है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एक अच्छा उदाहरण आप कह सकते हैं। लास्ट में जैसा मैंने कहा था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो लगना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है। वॉट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तुम्हारे शर्ट का कलर क्या है, तुम्हारे शर्ट का रंग क्या है। व्हाट यहाँ इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तुम्हारे शर्ट का रंग क्या है, कलर क्या है। तो इन सेंटेंस में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि व्हाट, वेयर, हु, ये सारे वर्ड जो है वो सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे और उसके बाद लास्ट में, यहाँ पर क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा। ये आप जरूर से ध्यान रखें। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप हमेशा इंट्रोगेटिव के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमारा सिक्स्थ टाइप जो हम पढ़ेंगे वो होगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, तो इनडेफिनेट का मतलब ही होता है नॉट नॉट फिक्स्ड या फिर नॉट सर्टन। आप कह सकते हैं जब अस्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का बोध कराया जा रहा हो तो वहां पर इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज होते हैं। व्हेन द नाउन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड्स विच आर कॉल्ड प्रोनाउन इन एन अनसर्टन वे और अ जनरल वे, इन दैट सिचुएशंस एंड इन दैट सर्कमस्टेंस इनडिफिनिट प्रोनाउंस कैन बी यूज देयर। और इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ऑल, सम, मैनी, एनीबडी, समबडी, वन, एग्जेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो ज्यादातर आपको एक एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे। अगर हम कोई फुल एग्जाम्पल सेंटेंस लिख के देखें तो हम लिख सकते हैं ऑल वर प्रेजेंट, सभी उपस्थित थे। अब यहाँ पर ऑल जो है वो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा, ये किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा है, ये सभी लोगों को कह रहा है। तो इसे हम किसी पार्टिकुलरली एक पर्सन को नहीं कह सकते हैं, ये किसी को स्पष्ट रूप से मतलब टारगेट नहीं कर रहा है। और इसका जो सब्स्टिट्यूट करने का तरीका है वो एकदम अनसर्टेन है, अनडिफाइंड है, इसीलिए हम इसको अनडिफिनेट प्रोनाउन के अंदर पढ़ते हैं। और एक और एग्जाम्पल है, मैनी स्टूडेंट्स रोट दिस। अब इसमें मैनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, किसी एक पे यहाँ पर कोई फोकस नहीं है, किसी एक पर्सन या फिर किसी एक स्टूडेंट का है यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से जो है वो बताया नहीं जा रहा है। इस तरह के सेंटेंस में जहाँ अनडिफिनेट हो, मतलब कि कुछ सर्टेन नहीं हो,
तो ऐसे में क्या होता है वहां पर, सॉरी, इनडिफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप सम से भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं, इन सारे वर्ड्स को ऐड करके कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं अनकाउंटेबल। सेवंथ टाइप में हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जहां पर आपको आमतौर पर सिर्फ दो ही शब्द देखने को मिलेंगे। वो क्या होंगे, एक आपको होगा ईच अदर और दूसरा क्या होगा, वन अनदर। अब ये एक कोई आप देख सकते हैं कि केवल दो ही आपको वर्ड्स हैं जो कि आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे आपको हर सेंटेंस में जहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। इन सेंटेंस को अगर हम सेंटेंस में यूज करें इन वर्ड्स को, तो लिख सकते हैं राम एंड सीता लव ईच अदर। राम एंड सीता लव ईच अदर, और ईच अदर जहां पर है हम ये पढ़ चुके हैं कि वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो है वो एग्जाम्पल होगा। ईच अगर इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह काम करेगा। दूसरा अगर हम वन अनदर का कोई एग्जाम्पल लें, या फिर वन अदर का भी ले सकते हैं, वो बात एक ही है, लिख सकते हैं दी थ्री ब्रदर्स लव वन अदर। अनादर भी लिख सकते हैं, पर अदर लिखेंगे तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप ईच अदर या फिर वन अदर इन्हें कहीं भी देखें, तो आप समझ सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये उसका एग्जाम्पल है, और आपको केवल दो ही दिमाग में आपको चीजें रखनी है, ये दो वर्ड्स, और आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। लास्ट जो होगा टाइप, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नाम से ही जब आप रिलेटिव सुनते हैं तो रिलेट करते हैं इसे किसे, जो ज्वाइन करे, टू ज्वाइन, ठीक है। ये सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है, यानी आपस में मिलाता है। कैसे मिलाता है, एग्जांपल्स में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कॉल द बॉय हु इज वेयरिंग कैप्स, उस लड़के को बुलाओ जिसने टोपी पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है। तो यहां पर कॉल द बॉय एक ऐसा सेंटेंस है जिसे कह सकते हैं कि अलग सेंटेंस है, और वियरिंग द कैप वाला को आप अलग करते, लेकिन जो इन्हें ज्वाइन कर रहा है, जो इन्हें रिलेट कर रहा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यहाँ पर हु के यहाँ पे काम कर रहा है। और एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो हम क्या कह सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल में, द बॉय वाज नेम इज रोहन इज स्मार्ट। और कोई एग्जांपल लिए दो, अगर स्टूडेंट्स कैन राइट ऐसे इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड।
ऐसे सेंटेंस जिन्हें कंबाइन किया जाए या फिर ज्वाइन किया जाए किसी भी ऐसे वर्ड्स के थ्रू जिनमें हम दो सेंटेंस को कंबाइन करें किसी प्रोनाउन के थ्रू, तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ज्यादा लेंदी डिफिनेशंस ना पढ़ के आप छोटे छोटे ट्रिक्स और मेथड को याद रख के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी चीज में विश्वास रखता हूँ कि अगर आप छोटे छोटे ट्रिक्स मेथड्स और इजी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ेंगे तो आप बढ़िया तरीके से कोई भी टॉपिक को उसे कवर कर सकते हैं। मैं इसीलिए कोई लेंदी डिफिनेशंस या फिर बड़े टॉपिक्स नहीं समझता, जो मुझे आसान लगते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में प्रोनाउन का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज गोइंग टू बी एडजेक्टिव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।